राधे राधे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। वेलकम टू माय अनदर न्यू कुकिंग ब्लॉग। आज मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ एक टेस्टी एंड ट्रेडिशनल रेसिपी लेके। एक्चुअली आज मैं बनाने जा रही हूँ खीर। ये जो खीर है ये बंगालीज के घर में विंटर्स में बनती ही है, लगभग रोज़ बनती है ऐसा मान के चलिए, क्योंकि बंगालीज इस खीर के दीवाने होते हैं। तो आज मैं जो ये खीर बनाने जा रही हूँ, इसको बनाना मेरी मम्मी ने मेरी नानी से सीखा है और मम्मी से मैंने सीखा। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 लीटर दूध। ये गाय का दूध है, आप कोई सा भी मतलब पैकेट वाला जो मिल्क आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं दूध को उबलने के लिए छोड़ूंगी, मतलब इसमें उबाल आना चाहिए, उसके बाद ही प्रोसीडियर सारा स्टार्ट होगा। तो 1 लीटर दूध के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम चावल। 100 ग्राम चावल, लगभग हाफ कप के करीब 100 ग्राम चावल मैंने यहाँ पर लिया है। मतलब ये रेशियो ठीक रहता है, अगर आप ज़्यादा चावल लेंगे ना तो फिर चावल चावल हो जाता है पूरा खीर और वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है, खाने में अच्छा नहीं लगता है। और ये जो चावल है ये है गोविंदभोग चावल, और इसे मैं अच्छे से बहुत अच्छे से पानी में बार बार करके धो के, और जब पानी साफ़ हो जाएगा, हल्के हाथों से धोना है, और जब पानी साफ़ हो जाएगा तो हमें इसे सोख होने के लिए छोड़ देना है। और इधर हमारा दूध उबल रहा है, अब इसमें उबाल आ गया है तो हम इसमें सोक्ड चावल डालेंगे, लेकिन उसका वाटर सारा स्ट्रेन कर लेंगे उसके बाद ही डालेंगे। तो चावल को मैंने यहाँ पर डाल दिया है। चावल डालने के बाद हमें चम्मच को बिल्कुल भी नहीं रोकना है, इसे नॉनस्टॉप चलाते रहना है, क्योंकि अगर हम लोग दूध और चावल को छोड़ देंगे तो दोनों ही नीचे, मतलब चावल जो है वो पैन में नीचे चिपक जाएगा और धीरे धीरे करके नीचे से हमारा जो खीर है वो जलने लगेगा और इसमें से जली हुई महक आने लगेगी। तो अब हमारा खीर जो है वो लगभग तैयार है। तो इस टाइम पे मैं क्या करूँगी, अपना जो इंडक्शन है इसे ऑफ़ कर दूँगी, और ऑफ़ करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ कप चीनी। एक्चुअली मैं ना चीनी और गुड़ मिक्स करके बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो पूरा गुड़ में भी बना सकते हैं। तो उस टाइम में आप लोग क्या करेंगे कि लगभग 3/4 कप आप लोग गुड़ डाल देंगे तो मीठा हो जाएगा, और अगर कोई ज़्यादा मीठा खाते हैं तो वो 1 कप तक गुड़ डाल सकता है। तो मैंने यहाँ पर हाफ कप चीनी मिलाया है, और मैं हाफ कप यहाँ पर खजूर गुड़ यानी कि खजूर की जैगरी मिला रही हूँ। और गैस इस टाइम हमारा ऑफ ही रहेगा, इसको ऑन नहीं करना है। ध्यान में रखिएगा कि जब हम गुड़ चीनी मिला रहे हों तो गैस ऑफ रहना चाहिए, अदरवाइज़ दूध फट जाता है। और हम इसे इस तरीके से चलाते रहेंगे, अभी दूध चावल सारा बहुत गर्म है तो हमारा चीनी और गुड़ दोनों बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो अगर आप लोग ज़्यादा चीनी खाते हैं और सिर्फ गुड़ से ही बनाना चाहते हैं तो 1 कप गुड़ पूरा भर के यूज़ कीजिएगा, तो बहुत अच्छे से ये मीठा हो जाएगा। और जो लोग कम मीठा खाते हैं वो लोग, मैंने टोटली वन कप डाला है, वन, अब लोग उसमें ऐसा करेंगे कि टोटली आप 3/4 कप डाल देंगे। तो देखिए हमारा खीर बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब ये ठंडा हो जाएगा ना तो ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा और खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को ये खीर की रेसिपी अच्छी लगी हो, या आप लोग ट्रेडिशनल फूड, बंगाली ट्रेडिशनल फूड ट्राई करना चाहते हैं, तो प्लीज़ ट्राई करें। थैंक यू वेरी मच।